नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस, ये जो तीन कैंपस हमारे पास है, इनमें से कौन सा कैंपस आपको मिलेगा अगर आपने इतने पर्टिकुलर मार्क्स स्कोर करे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज टारगेट कर रहे हो और आपके 800 नंबर में से 720 से ऊपर नंबर आते हैं, तो आपको नॉर्थ कैंपस में ये दो कोर्सेज मिल सकते हैं। बाकी सभी बीए प्रोग्राम जैसे कोर्सेज की भी अगर हम बात करें, तो उनमें भी अगर आप 700 के आसपास स्कोर आ रहा है आपका, 690 टू 710 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आप किसी भी कोर्स में नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ले सकते हो। बात करते हैं साउथ कैंपस की। अगर साउथ कैंपस में आपको एडमिशन चाहिए और आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो 650 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं, तो साउथ कैंपस में आपको बीए प्रोग्राम से लेकर बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज मिल सकते हैं अगर आपके 650 से ऊपर हैं 800 नंबर में से। ऑफ कैंपस की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि ऑफ कैंपस की जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन जाती है, बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाती है। नॉर्थ कैंपस की अगर हम 720 मान रहे हैं, साउथ कैंपस की अगर हम 650 मान रहे हैं, तो ऑफ कैंपस की आपको मिनिमम 550 के आसपास लगा के रखना होगा। अगर आपको एक डिसेंट कोर्स चाहिए ऑफ कैंपस में भी, तो आपको मिनिमम 550 मार्क्स अगर आपके आए हैं, तो ऑफ कैंपस में आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा।